क्या हैदराबाद का नाम कभी भाग्यनगर था? क्या हैदराबाद के सैकड़ों सालों के इतिहास में किसी भाग्यनगर का जिक्र आता है? क्या वजह है कि हैदराबाद की चुनावी रैली में पहुंचे योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही? आखिर भाग्यनगर की कहानी क्या है? हैदराबाद में नगर निगम चुनाव चल रहा है और हैदराबाद की जमीन पर भाग्यनगर की बात हो रही है। ऐसे में पूरा देश भाग्यनगर का सच जानना चाहता है। क्या भाग्यनगर पॉलिटिकल जुमला है या हैदराबाद की ऐतिहासिक सच्चाई है? वैसे हैदराबाद के इतिहास के बारे में सुना होगा कि कैसे सरदार पटेल के कड़े और बड़े फैसले की वजह से हैदराबाद का भारत में विलय मुमकिन हुआ था। हैदराबाद में भाग्यनगर को लेकर के कई किस्से और कहानियां कही जाती हैं। दावों के पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात भी कही जाती है। सैकड़ों सालों पुरानी एक कहानी के मुताबिक भाग्यनगर के पीछे एक लव स्टोरी है। आखिर भाग्यनगर को लेकर इतिहास में क्या प्रमाण है? प्रोफेशनल अमरजीव आलोचन कहते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि शहर का नाम पहले भाग्यनगर था, जिसे बाद में हैदर और हैदराबाद कर दिया गया। एक कहानी के मुताबिक भाग्यवती नाम की एक नृत्यांगना और उसी नृत्यांगना से जुड़ी भाग्यनगर की दास्तां है। कहानी 500 साल पुरानी है। इस दौर में मौजूदा हैदराबाद की हुकूमत गोलकुंडा राजवंश के सुल्तान कुली कुतुब शाह के हाथों में थी। कुली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद शहर को बसाया था, जिसे तब भाग्यनगर नाम दिया गया था। वजह थी उनकी प्रेमिका, जिसका नाम भाग्यवती था। कहा जाता है कि 1589 में कुतुब शाह ने भाग्यवती से शादी की और कुली कुतुब ने गोलकुंडा सल्तनत में शामिल होने के बाद भाग्यवती के नाम पर भाग्यनगर शहर बसा दिया, जिसे बाद में हैदराबाद नाम मिला। ये कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसके पीछे का आधार क्या है? वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर अमित राय जैन और फिरोज बख्त अहमद ने बताया कि इतिहास में जिक्र मिलता है कि हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर था। इतिहासकार अमित राय जैन ने बताया कि सैकड़ों साल पहले भाग्यनगर का नाम बदलकर हैदराबाद रखा गया। उसके पीछे भाग्यवती और कुतुब शाह की लव स्टोरी है, जिसका वर्णन इतिहास में मिलता है। दो इतिहासकारों ने यह भी बात कही कि भाग्यनगर का नाम बदलकर हैदराबाद रखा गया और अब हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी के नेता हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कर रहे हैं। ये बात 2018 में योगी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी कही थी। हैदराबाद में बीजेपी एमएलए राजा सिंह भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कहते हैं, लेकिन नाम बदलने की सियासत पर ओवैसी का सीधा प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी ने वोटरों के सामने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने के नैरेटिव सेट किया है और विपक्ष यही पूछ रहा है कि नाम बदलने से क्या हैदराबाद की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि देखना होगा कि हैदराबाद की जनता इस बार क्या भाग्यनगर को वोट करेगी या टीआरएस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के गठबंधन को वोट दे करके हैदराबाद को हैदराबाद बने रहने देगी। ये दिलचस्प चुनाव इस वक्त पूरे देश को अपनी तरफ रुख कर लिया है, क्योंकि पहली बार किसी नगर निगम के चुनाव में इतनी बड़ी मात्रा में बड़े नेता प्रचार करने पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि आखिर हैदराबाद की जनता का रुझान किसके तरफ जाता है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।